it's the revolution. क्योंकि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है मेरी यूंगी को, इसके लिए मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुम खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझती हो ना, सारी होशियारी निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। देखा, अब तुम मेरे अंडर में रहोगी, मेरे काबू में रहोगी, सो एक हेल की लाइफ बिताने के लिए रेडी हो जाओ। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम मुझे अपने पास रख पाओगे, देख लेना मैं तुम्हारे घर से जल्द भाग जाऊंगी। अच्छा, तो क्या तुमने शादी मुझसे बदला लेने के लिए किया है? ऑफ कोर्स, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ। जिमिन के कुछ कहने से पहले ही युंगी के फोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल पिक कर लेता है। हेलो, बोलो क्या बात है? सर, जो आपको इतने दिन से ब्लैकमेल कर रहा था उसे हमने पकड़ लिया है। अब आप मुझे बताइए सर कि मैं इसका क्या करूँ? क्या, तुमने उसे पकड़ लिया है? डोंट वरी, अब जो करना होगा मैं करूँगा, मैं आ रहा हूँ। सर, एक प्रॉब्लम है, उसकी वाइफ को भी हमें पकड़ना पड़ा और वो बहुत शोर मचा रही है, कह रही है उन्हें छोड़ दो, अब हम क्या करें सर, वो बहुत शोर मचा रही है। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ ना, अब उसके साथ जो भी करना होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, उन्हें जाने मत देना, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, आप जल्दी आ जाइए, हम आपको वेट कर रहे हैं। तो तुम उसकी वाइफ के साथ क्या करने वाली हो? अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग लाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो ना, तुम उसके साथ क्या करोगे? ओके फाइन, तुम सुनना चाहती हो ना, मैं उसके साथ वही करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, सुन लिया ना? अब मैं जा रहा हूँ, बाय। क्या, वो उसके साथ वही करने वाला है? ये कितना बुरा है। गॉड, मैं किसके साथ फंस गई? I'm really sorry, Jinbo. मैं तुमसे कब से सॉरी बोल रही हूँ मगर तुम मान ही नहीं रही हो। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं तुम्हें माफ कर दूँ? इतने दिन से मेरी याद नहीं आई ना, अगर मैं लंदन चला गया था तो मुझे एक बार कॉल ही कर सकती थी, अब जब मेरा काम है तब तुम्हें मेरी याद आई है। अच्छा, ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि तुम मुझे कॉल नहीं कर, लेकिन मैंने नहीं कहा बिकॉज मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ किसी काम से गए थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और मैं भी यहाँ फ्री नहीं थी, तुम जानते हो मेरी डैड की तबीयत खराब थी इसलिए मैं बहुत बिजी रहती थी। ओके फाइन, वैसे तुम्हारे डैड कैसे हैं? वो एक्चुअली मेरे डैड अभी दुनिया में नहीं है, वो इतने बीमार थे कि उनकी डेथ हो गई। व्हाट, आई एम रियली सॉरी, देखो तुम रो मत। नो नो, इट्स ओके, आई एम फाइन, आई एम रियली सॉरी दे, मैंने तुम्हें इस सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया ना, देखो अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, इनफैक्ट मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, मैं जल्दी तुमसे शादी कर लूंगा। नहीं जिनको, ये इतना आसान नहीं है। आसानी मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि जब तुम लंदन चले गए थे ना तब मेरे साथ फिरते ही जिनको को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है जो उसके साथ हुआ। व्हाट, तुमने शादी कर ली और वो भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ जो जंगो के साथ? व्हाई दे व्हाई? आई एम सॉरी जिनको, अगर मैं उस वक्त ऐसा नहीं करती ना तो डैड की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए मुझे उस वक्त ऐसा करना पड़ा, मुझे लगा कि वो मर जाएगा पर उसकी सजा माफ हो गई और वो बच गया और वो मेरी लाइफ हेल बना रहा है। वो मुझे नहीं जाने देता, अब मैं क्या करूँ? और तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब तुम ही कुछ कर सकते हो, प्लीज कुछ करो। अगर तुम नहीं भी बोलती ना तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करता, बिकॉज उसने तुमसे शादी की है ना मेरी गर्लफ्रेंड से, उसकी हिम्मत कैसे? डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, किसी न किसी तरीके से आज रात तुम वहाँ से भाग आओ, फिर मैं उससे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थैंक यू इनवो, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। नो ते, तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? ये तो मेरा फर्ज था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसने तुम्हें हाथ भी कैसे लगाया? एना, तुम मुझे मेरा नाम लेकर क्यों बोल रही हो? तुम तो मुझे बेबी बोलती थी ना। मैं भूल गई थी। क्या कहा? भूल गई थी, आप ये भी कोई भूलने वाली चीज है? तुम क्या बातें लेकर बैठ गए? मैं भूल गई थी बिकॉज मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब थी इसलिए। देखो जिनको, अब मुझे कॉल कट करना होगा, वो क्या है ना, जंगोक ने मुझसे कहा है कि वो मुझ पर हमेशा नजर रखेगा, तो मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, बाय एंड आई लव यू, लव यू टू दे, बाय, अपना ख्याल रखना। जंगोक, तुझे शादी करने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड मिली थी और तू उसे छोड़ नहीं रहा, अब मेरी नफरत करने की वजह डबल हो गई, अब तो देख मैं क्या करता हूँ।
थैंक गॉड सर, आप आखिर आ गए। इन दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था। देख किस तेरी सोच है कि अगर तू वहां होता तो कुछ कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता था।
था बिकॉज तू उस वक्त एक बच्चा था, और अगर उस वक्त तू वहाँ चला जाता ना तो शायद आज तू भी जिंदा नहीं होता, वो लोग तुझे भी मार देते। तो प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद कर कि ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे डैड एक पुलिसमैन थे, वो सबकी भलाई करना चाहते थे, और क्या फायदा हुआ, इसमें उनकी जान चली गई। तूने बिल्कुल सही कहा, भलाई करने से कोई फायदा नहीं है, अक्सर बुरे लोग जीत जाते हैं और अच्छे लोग हार जाते हैं। तो इससे अच्छा यही है ना कि बुरा बन जाओ। देख तेरी मॉम तो कम से कम अच्छी थी ना, वो तुझे प्यार करती थी, वो सबका ख्याल रखती थी। लेकिन मेरी मॉम तो मेरी दुश्मन है, शर्म आती है मुझे उनको अपनी मॉम कहते हुए। अच्छा हुआ कि वो मर गई। अच्छा ये सब छोड़, देख तू शांत हो जा, बस तेरे लिए मैं आता हूँ, मुझे पता है कि तू रोएगा जरूर, इसीलिए मैं तेरे साथ आता हूँ। ओके तो अब तू शांत हो जा और घर चल। ओके तो सही कह रहा है, घर चलते हैं। गुड, अब चल घर। तुम आई गए, चलो आओ बैठो। देखो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही है, मैंने तुम्हारे लिए कब से डिनर बना के रखा हुआ है। बेटा तुम आ गए, देखो मैंने तुम्हारे लिए कब से डिनर बना के रखा हुआ, तुम्हारी फेवरेट डिश, आ जाओ खाना खा लो। मामा मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं आपके हाथ से खाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ, आओ। क्या सोच रहे हो, आओ बैठो ना। उनको कुछ नहीं बोलता, वो जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ जाता है, उठते उसे खाना सर्व करती है। लो खा लो खाना। नहीं तुम यहाँ बैठो और मुझे अपने हाथों से खिलाओ। क्या कहा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? क्यों, क्या गलत काम मैंने जी, तुम मुझे ऐसे देख रही हो, तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे खाना खिला सकती हो, खिला मुझे। ओके फाइन खिला रही हूँ। उसके बाद तेज जंकू को खाना खिलाने लगती है। शुगर जैसे ही घर पहुँचता है वो घर का व्यू देखकर शॉक हो जाता है। हाँ ये सब किसने किया। ओके आर्मी आज के लिए इतना ही, आई होप पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।